पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम आरक्षण के विरोध में और नौकरी में आरक्षण और मैं विरोधी हूँ, और उसको एडिट करके इन लोगों ने चलाया है। कांग्रेस ने अपने लोगों के हितों में संशोधन किया था, ये दोनों में बहुत अंतर है। निषाद तो तब भी आरक्षण से दूर थे, आज भी हैं, वो तो अपना संघर्ष कर रहे हैं, आज नहीं कल मिलेगा। प्रमोद तिवारी जी को अंतिम भाषण मोदी का सुनना चाहिए कि कौन बदलना, RCST के विरोध में कौन था, अंतिम बताए। पत्र देखें, 1950 का पत्र, सभी राज्य सरकारों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि हम आरक्षण के विरोध में और नौकरी में आरक्षण और मैं विरोधी हूँ, और उसको एडिट करके इन लोगों ने चलाया है। आज के दिन में पहली बार है कांग्रेस जब सरकार आई तो कम से कम 110 से ज्यादा 111 संशोधन किया संविधान में, तो संविधान कौन बदल रहा है, कौन खत्म कर रहा है, ये जानो। हमारे समय में तो कौन संशोधन हुआ, धारा 370, हिंदू मुसलमान लड़ रहे एक साथ रहे, कौन हुआ, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को बदला गया, ये संशोधन है। जनता के हित में हम संशोधन करते हैं और कांग्रेस ने अपने लोगों के हितों में संशोधन किया था, ये दोनों में बहुत अंतर है। और काम आखिर काम है तो आज के दिन में तो झूठ क्यों बोल रहे हैं, 1 लाख दे देंगे, 8,500 दे देंगे। इन्हीं लोगों ने जो काम किया था इतने साल, उसका नतीजा था कोरोना में, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश किस तरीके से वहां से पैदल चल के यात्रा हो रही थी, वो उनके परिणाम रहे इतने लंबे शाम के। अब हम लोग काम कर रहे हैं और काम के आधार पर ही मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। भाजपा विधायक रमेश मिश्रा ने अपनी एक वीडियो जारी करते हुए साफ कहा था अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है, अगर हालात ऐसे रहे 2027 में यूपी भाजपा सरकार नहीं बन पाएगी, केंद्र नेतृत्व चाहिए, इसका फैसला करे, क्या कहना? कोई किन परिस्थितियों में बोलता उसका जवाब वही देगा, उससे उसका रिएक्शन लेना चाहिए। आज के दिन में हम सरकार के अंग हैं, हम सहयोगी दल हैं, हम आज के दिन में किस तरह से घाटे में भी साथ रहे और फायदे में भी साथ रहे, ऐसा 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 साथी नहीं है कि फायदे में साथ रहे और घाटे में साथ रहेगा। हम दोनों परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के साथ और भारतीय जनता पार्टी हम लोग साथ हैं, और देखिएगा बेहतर परिणाम आएगा 2027 जीते। जेपी नड्डा कल बैठक हुई है तो उन्होंने कहा है कि राम मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है, हमने उसका राजनीतिकरण नहीं किया, 500 वर्षों का संघर्ष मैंने संभाला, विपक्ष इस पे गलत आरोप लगा रही। देखिए विपक्ष ने बहुत लंबे समय तक कितना हिंदू मुसलमान राइट किया, कैसे गोली चलाई है, जो अयोध्या लोग जानते हो। आज बिना खून खराबे बन रहा है तो शांति से सब पूजा करें आराम से, आराम से। ये हमारे लिए आस्था का केंद्र है, निषादों के लिए भगवान राम के साथ निषाद राज भी यहीं पढ़ते थे, यहीं से एक गुरुकुल में पढ़े थे और मित्रता के हिसाब से दोनों मिले। आज इस अयोध्या की देन है और निषाद राज के किले की देन है कि निषादों को केवटा मल्लावा बिंदवा कहा जाता था, रेटे बोला जाता था, नीचे मछली मारने वाला बोला जाता था, इसको बिकाऊ पियाऊ कहा जाता था, कि छोटी जात का नीच जात का है उसे ऐसे उपेक्षित रखा जाता था। आज कम से कम भगवान राम और निषाद राज की उस मित्रता के सहारे समाज का जो कहते हैं कि सम्मान सबसे बड़ा चीज है, सुरक्षा और समृद्धि, तो सम्मान बढ़ा है। किसी को कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स, या एक वैचारिक आंदोलन है कि हम कहाँ हैं। तो इतना बड़ा सम्मान निषादों को बोले तो इसका मतलब अयोध्या के बारे में बोलने का मतलब, राम के बारे में बोलने का मतलब, आप निषाद राज के बारे में बोल रहे हो, इसका जवाब निषाद देंगे। इसीलिए निषाद वोट नहीं दिए, भूल में उन लोगों को दिया कौन, जो आरक्षण की जातियां लाभ ले रही थी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर, तो जो लाभ लेने वाली जातियां अधिक थी, 66 समूह का हिस्सा खाने वाली, 27% का हिस्सा खाने वाले, उन लोगों ने भय दिखाया, अरे यार ये हो जाएगा तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो उन लोगों ने भयभीत होकर वोट दे दिया, भ्रम और झूठ बोलकर। तो ये आज के दिन में जानना है, निषाद तो तब भी आरक्षण से दूर थे, आज भी हैं, वो तो अपना संघर्ष कर रहे हैं, आज नहीं कल मिलेगा, मिलेगा कौन, ये तो आरक्षण के विरोधी हैं, फाइलें गायब कराते हैं, इनको गोली चलवाते हैं, ये लोग तो हमारे आंदोलन को कचलते हैं। आज हम लोग उस संघर्ष को धीरे धीरे प्रमाणिक दस्तावेज में बदले हैं, और इसलिए धर्म पर न कुछ बोले तो बेहतर है।